Hello students, welcome to Wi-Fi Studios and yes, once again welcome you all in the morning 5:30 AM session जहाँ पे हम मिलकर करते हैं daily basis पे ऐसे topics, ऐसे questions का discussion जिससे आपके आने वाले examinations में आपको help मिले। अब जैसे कि आपको पता है MTS के forms भी भरे ही जा रहे हैं यार, तो अब तो धीरे धीरे examination का दौर शुरू हो चुका है। मार्च में स्टेनो, अप्रैल में आपका CHSL, देन उसके बाद मई में CGL की डेट्स हैं और फिर आने वाले दिनों में MTS भी हो जाएगा। तो सारे के सारे SSC examinations की रीजनिंग की चिंता तो इस क्लास पे छोड़ दो, क्योंकि सुबह 5:30 बजे जैसे ही क्लास ये प्रीमियर होती है तो ये आपके सारे के सारे examinations का सिलेबस कवर कर लेती है। अब सिर्फ SSC ही नहीं, अगर आप राज्य स्तरीय परीक्षा या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस सेशन को आराम से फॉलो कर सकते हो। बस द थिंग इज अपनी कनेक्टिविटी, अपनी रेगुलरिटी बनाए रखो, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी रेगुलरिटी नहीं बना के रखोगे तो फिर तो आपका रीजनिंग जो है अलग से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और हमारा तो ये मानना है यार, रीजनिंग इज अ सब्जेक्ट जिसको प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी एफिशिएंसी आएगी, सॉल्व जितना करोगे उतनी एफिशिएंसी आएगी। अलग से 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पढ़ने का ये सब्जेक्ट नहीं, इसके लिए आप अपने मैथ्स प्रैक्टिस के लिए टाइम छोड़ दो, GS पढ़ने के लिए छोड़ दो, इंग्लिश पढ़ने के लिए छोड़ दो, ठीक है ना। चलो तो फिर सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑफ कोर्स यस, जैसे कि डेली बेसिस पे हम अनअकैडमी का डिस्कशन करते हैं, तो अभी फिर से हम अनअकैडमी का डिस्कशन करेंगे। ये उन बच्चों के लिए भी है बेसिकली जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं। अब अनअकैडमी क्यों? बिकॉज वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, ये तो सबको पता है। अब अनअकैडमी में 2 तरीके की क्लासेस आपको मिलती हैं, 1 is free class एंड 1 is the plus class। फ्री क्लास अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ एजुकेटर्स को फॉलो करना है। आपने एजुकेटर्स को फॉलो किया, उनके स्केड्यूल को लुकआउट किया और इन क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात करते हो, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स की बात करते हो, तो वो आपको मिलेंगे प्लस के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पे हमारा एक कोर्स भी दिख रहा है, रीजनिंग थ्रू मॉक टेस्ट फॉर SSC स्टेनो एंड CHSL। मतलब हम यहाँ पे मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, 50 क्वेश्चन के मॉक डेली बेसिस पे 12:30 बजे 3rd of February से ये क्लास शुरू हुई है। 90 मिनट्स का सेशन होता है जिसमें क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के साथ साथ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और सब कुछ। अब इस बैच को करना है या किसी और एजुकेटर के प्लस कोर्स को करना है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको किसी भी कोर्स पे ऐसे ही, चाहे तो हमारे चाहे किसी भी एजुकेटर के कोर्स पे क्लिक करो। कोर्स पे क्लिक करते ही जैसे ही ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाए, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month, ऐसे आपके सामने ऑप्शंस होंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी कनेक्टिविटी के हिसाब से आप एक चीज ये चेक कर लो कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसे कहाँ से पूरी होती है, कितने टाइम में पूरी होती है। ड्यूरेशन सिलेक्ट किया, उसी पेज पे नीचे आपसे डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करने बोलेगा, तो दैट इज बेसिकली SMS 10। SMS 10 कोड यूज करोगे, 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा और आपका सब्सक्रिप्शन भी डन हो जाएगा। क्या चाहिए इसमें? अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें अनअकैडमी से, तो यार क्लासेस तो आपको मिल ही रही है, और क्लासेस सिर्फ रीजनिंग की नहीं मिल रही, क्लासेस आपको मैथ्स की, GS की, इंग्लिश की, करंट अफेयर्स की एंड ऑफकोर्स रीजनिंग की तो है ही। एजुकेटर एक्सेस, आप किसी भी एजुकेटर की क्लास कर सकते हो, दैट मीन्स सिर्फ हमसे बाउंड नहीं हो। इसके अलावा क्विजेस के अलावा टेस्ट के अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस, मतलब वन स्टॉप लोकेशन, 360 डिग्री प्रेपरेशन आपके एग्जामिनेशन की, तो वो है अनअकैडमी। बस तो इस हिसाब से आप वहां पे अपने कनेक्टिविटी के साथ में बैठ के अपना पूरा का पूरा सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का कवर अप कर सकते हो। अब वंस यू आर कनेक्टेड विद अनअकैडमी तो ऑब्वियसली हमारी क्लासेस भी करोगे ही करोगे। तो अनअकैडमी पे सबसे पहले तो हमारी प्रोफाइल फॉलो करोगे। प्रोफाइल फॉलो करते ही बैंक फ्री स्पेशल क्लासेस मॉर्निंग 7:45 AM पे होती, 60 मिनट्स का सेशन होता है फ्री फॉर ऑल। ऐसे ही रात में 9 बजे SSC की फ्री स्पेशल क्लास होती है, 60 मिनट्स का सेशन होता है, अगेन फ्री फॉर ऑल। जो सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स के लिए बैच है वो है 12:30 बजे प्लस कोर्स का, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया 3rd of February को हमने शुरू किया। 90 मिनट्स का सेशन होता है डेली, जिसमें हम मॉक टेस्ट आपके डिस्कस करते हैं, 50 क्वेश्चन ईच वाले। अब यूट्यूब का स्केड्यूल अगर देखो तो यूट्यूब का स्केड्यूल एज इट इज है। वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, जिसमें आप हो फिलहाल। देन अगेन वाईफाई स्टूडियोज पे सैटरडे संडे हम 7:00 से 7:00 बजे लाइव कनेक्ट करते हैं। वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेकर संडे तक 5:00 बजे
हम लाइव कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे होती रहती है, चाहे यूट्यूब पे चाहे अनअकैडमी पे। तो इट्स टोटली अप टू यू, एक किसी प्लेटफॉर्म पे किसी एक क्लास को रेगुलरली फॉलो करो, क्लासेस अटेंड करो, एंड बस एवरीथिंग इज अप टू यू। यस, तो चलो फिर अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के मैट्रिक्स के क्वेश्चंस। एंड मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होते किस तरीके से हैं वो ये देखो। ऊपर एक लंबा चौड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है, मैट्रिक्स वन दिया है, फिर मैट्रिक्स टू दिया है, फिर उसमें एक वर्ड दिया है, उसके कुछ कोड्स डेसिफर्ड हैं, इन बॉक्सेस में से हमें पिक करना है। तो वो पूरा डेटा इंस्ट्रक्शन एक्चुअली किसी काम का नहीं होता। आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कोई वर्ड दिया जाए और दो बॉक्सेस या दो डब्बे दिए जाए और कोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेट में आपसे बोला जाए कि अब इसका कोड बताओ, किसका, डस्ट का। तो अब अच्छी बात इसमें पता है क्या है, कोडिंग डिकोडिंग तो आपका सीक्वेंस अलग भी हो जाता है, क्रॉस भी हो जाता है, स्ट्रेट भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, ये आपका सीक्वेंशियली रहेगा। अब सबसे पहला वाला हम आपको पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, फिर अगले वाले हम लोग ऑप्शन से करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे एक वर्ड है डस्ट, DUST, तो अब डस्ट का जब हम कोड पिक करेंगे ना तो हम रो और कॉलम के हिसाब से करेंगे, R फॉर रो एंड C फॉर कॉलम। रो और कॉलम के हिसाब से कैसे करेंगे, पहले हम रो लेंगे फिर हम कॉलम लेंगे। D कहाँ है, D हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में, जीरो रो जीरो कॉलम, तो D का कोड हो सकता है 00। फिर D हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में भी है, तो D का कोड 12 हो सकता है। फिर D हमारा सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में भी है, तो D का कोड 24 हो सकता है। फिर D हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो D का कोड 31 हो सकता है। फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो 43 हो सकता है। अब ऐसे U देखो, तो U हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ रो सेवेंथ कॉलम, तो 57 हो सकता है। सिक्स्थ रो नाइन्थ कॉलम, तो 69 हो सकता है। सेवेंथ रो सिक्स्थ कॉलम, तो 76 हो सकता है। एट्थ रो एट्थ कॉलम, 88। नाइन्थ रो फिफ्थ कॉलम, 95। एस देखो, तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो एस भी हमारा सेकेंड उसमें है, ये सारे एरोज हम हटा देते हैं तो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा, है ना। अब एस हमारा कहाँ है, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। फिर सिक्स्थ रो सेवेंथ कॉलम, सेवेंथ रो नाइन्थ कॉलम, एट्थ रो सिक्स्थ कॉलम, नाइन्थ रो एट्थ कॉलम। अब टी देखो, तो टी भी तो हमारा उसी पे है सेकेंड मैट्रिक्स में, तो इन एरोस को फिर से हटा दे, टी के लिए अलग से आएगा। अब देखो टी के लिए फिफ्थ रो एट्थ कॉलम, सिक्स्थ रो फिफ्थ कॉलम, सेवेंथ रो सेवेंथ कॉलम, एट्थ रो नाइन्थ कॉलम और नाइन्थ रो सिक्स्थ कॉलम। तो अब आप बोलोगे क्या इतने सारे कोड्स, तो हम आंसर कैसे करेंगे, हम आंसर इन्हीं में से पिक करके करेंगे। कैसे इन्हीं में से पिक करके करेंगे, मतलब डी का कोड इनमें से कोई भी हो सकता है, यू का कोड इनमें से कोई भी हो सकता है, एस का इनमें से कोई भी हो सकता है, टी का इनमें से कोई भी हो सकता है। अब ऑप्शन हमारे इसी सीक्वेंस पे DUST। अब ऑप्शन बाय ऑप्शन देखो, तो सबसे पहले जरा डी के चेक कर लो, तो डी के लिए 00 ठीक है, डी के लिए 13 नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर हमने 2 एलिमिनेट कर दिया। अब तीसरा देखो 21, तो डी के लिए 21 भी नहीं है, तो सी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब 0012 के हिसाब से ए और डी बच गया। अब यू के लिए देखो, तो यू के लिए 76, तो यू के लिए 76 है, और यू के लिए 57, तो ये भी है, तो दोनों अभी कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। एस के लिए 86 है, 67 है, तो टी ही हमारा काम करेगा। अब टी के लिए दिया यहाँ 59 और हमें चाहिए क्या था, 58 तो है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। तो बात समझे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पूरी की पूरी लाइन ही इसका कोड है, वो किसी भी ऑर्डर में ले सकता है, बस ये है कि पहले डी का आएगा, फिर यू का आएगा, फिर एस का आएगा, फिर टी का आएगा। बात समझ आई, तो अब हर क्वेश्चन में इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पिक करते चलेंगे। कैसे पिक करते चलेंगे, देखो कैंप है CAMP, अब CAMP कैंप में ऑप्शन देखो 02, तो क्या सी के लिए 02 है, यस 0 रो सेकंड कॉलम, तो पहले सी ही चेक कर लो। फिर 14, तो 14 भी है, 21
तो 2-1 भी है, फिर 4-0 तो 4-0 भी है, मतलब सी ने तो हमारा काम नहीं किया। अब ए देखें, तो ए के लिए देखो 5-7, ए के लिए 5-7, तो एक्चुअली 5-6 है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट। अब 6-8, तो 6-8 करेक्ट है, 7-5 ये भी ठीक है, 9-9 ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हुआ है हमारा। अब एम के लिए चेक करेंगे, तो एम के लिए चेक करेंगे, इन सबको हटा देंगे यहाँ से एरोज को, ठीक है। अब एम के लिए चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये तीन ऑप्शन है, बी सी डी, तो अब एम के लिए चेक करो, तो एम के लिए 4-2, तो एम के लिए 4-2 करेक्ट है, 1-1 करेक्ट है, 4-2 करेक्ट है, तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। अब पी के लिए देखो, तो अब पी के लिए लेट सी, पी के लिए 3-4 करेक्ट, तो ये हमारा पूरा सही हो गया, 4-1 ये भी सही हो गया। अब इसके बाद 1-2 तो ये गलत हो गया, अब फंस गए हम लोग, हमारा ऑप्शन नंबर बी भी पूरा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी सी भी पूरा सही हो गया, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऑप्शन जो पहले आया वो कॉन्सेप्ट यहां मैट्रिक्स में फॉलो होता है, ऑप्शन विच कम्स फर्स्ट वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि जब हमें 34 तक यहां पे हमने चेक कर लिया था, तो ये तो हमारी जेनरोसिटी थी कि बाकी ऑप्शंस को हमने चेक किया, एक्चुअली करने की जरूरत नहीं थी, तो व्हेन बी प्रूव्स कि वो आंसर है, तो फिर चाहे सी भी आंसर हो डी भी आंसर हो वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, बात समझ आई, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में काम आएगा, ये जरूरी नहीं है ये आप किसी और टॉपिक में नहीं लगाओगे, ठीक है। चलो तीसरा देखें, पंप, तो अब वही है, शुरू करें यहां से 0-3, तो पंप के लिए 0-3 ठीक है, 1-4 अब ये गड़बड़ है क्योंकि 1-0 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, 1-0 है ठीक है, 2-2 ये भी ठीक है, तो अब यू के लिए देखो, तो यू के लिए 6-9 ठीक है, 5-7 ये भी ठीक है, फिर इसके बाद डी के लिए ऑप्शन नंबर डी में दिया 9-5 ये भी ठीक है। अब एम के लिए देखो, एम के लिए 0-3, तो एम के लिए 0-3 नहीं 0-4 होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट, 2-3 तो 2-3 करेक्ट है, 4-3 तो 4-3 नहीं बल्कि 4-2 होना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, तो फिर आखिरी पी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और एक अब बचा हमारे पास, तो बस वही हमारा आंसर है, डन। चलो नेक्स्ट, पास्ट, अब पी के लिए 1-0, तो पी के लिए 1-0 करेक्ट, पी के लिए 2-2 करेक्ट, पी के लिए 3-4 करेक्ट, पी के लिए 4-1 करेक्ट, तो पी ने तो हमारा साथ नहीं दिया, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अब अगला ए के लिए, ए के लिए 5-6, तो ए के लिए 5-6, ए के लिए 6-8, ए के लिए 6-8, ए के लिए 7-5, ए के लिए 7-5, ए के लिए 9-9, ए के लिए 9-9, तो ए ने भी हमारा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। एस और टी देखिए फटाक से, अब एस के लिए क्या है 4-1, तो एस के लिए 4-1 गलत, तो पहला वाला गलत हो गया, 5-5 तो 5-5 सही, 6-7 सही, फिर 9-8 ये भी सही, अब आखिरी उम्मीद बस टी ही बचा है हमारे पास, तो टी के लिए 6-6 गलत, क्योंकि 6-5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, 5-8 तो 5-8 सही, तो अब देखो सही मिल गया, तो ये हमारा आंसर, अब जरूरी थोड़ी कि हम 8-8 चेक करें, वैसे चेक करते भी तो ये 8-9 मिलता तो ये तो गलत हो ही जाता, लेकिन जब हमारा एक सही हो गया तो वही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो अगला देखो, डीपीसीपी, अब डी के लिए 1-2, तो डी के लिए 1-2 करेक्ट, डी के लिए 1-1 गलत, डी के लिए 0-1 गलत, क्योंकि ये 0-0 है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इस बार।
अब पी के लिए 3 4 और 1 3 सिर्फ हमें इनको चेक करना है, 3 4 को और 1 3 को, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो पी के लिए 3 4, तो पी के लिए 3 4 करेक्ट, पी के लिए 1 3 गलत, क्योंकि 1 0 होना चाहिए। तो बस बचा क्या फिर हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। तो अब जब ऑप्शन नंबर ए आ गया ना, तो अब बैठ के अब सीपी पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सी एफ जे ओ, अब सी के लिए 6 5, तो सी के लिए 6 7, तो ये गलत ये गलत। अब सी के लिए 7 6 करेक्ट है, तो सी और डी बच गए। अब एफ के लिए 8 8 चेक करना है, 9 7 चेक करना है, तो एफ के लिए 8 8 करेक्ट है, एफ के लिए 9 7 ये भी करेक्ट है। अब जे के लिए 6 5 और 7 7, 6 5 करेक्ट है, 7 7 गलत है, क्योंकि 7 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। सो दैट इज द आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्यू एन एफ जे, अब क्यू के लिए चेक करो, तो क्यू के लिए 0 2, तो क्यू के लिए 0 2 सही है, 2 3 क्योंकि 0 2 0 2 दो जगह, अब 2 3 गलत क्योंकि 2 4 होना चाहिए। तो सी भी एलिमिनेट, डी भी एलिमिनेट, बचा क्या हमारे पास ए और बी। तो एन के लिए 3 4, एन के लिए 3 4 सही है, एन के लिए 1 3 सही। अब एफ के लिए 6 9, तो एफ के लिए 6 9 सही, एफ के लिए 8 8 ये भी सही है। तो अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जे, तो क्या जे के लिए 8 8 होगा ना, जे के लिए होता 8 9, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, डन। चलो नेक्स्ट एक्स एफ ओ क्यू, तो एक्स है हमारा कहाँ पे, 5 8 सही है, 8 7 गलत क्योंकि ये तो 8 5 है, 6 6 सही है, फिर इसके बाद 9 9 सही है। तो यहां हमने सिर्फ एक ऑप्शन को गलत किया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब आया एफ, तो इन सबको जरा क्लीन कर दे क्योंकि एफ भी हमारा इसी मैट्रिक्स में है। अब एफ, तो एफ के लिए दिया हुआ है 5 5 गलत, फिर एफ के लिए दिया है 7 5 सही, एफ के लिए दिया 8 8 सही। तो बचा क्या हमारे पास, ओ और क्यू के लिए 6 7 7 9 0 2 1 1, तो पहले जरा ओ चेक करें, 6 7 गलत क्योंकि ये तो 6 8 है, तो बस ऑप्शन नंबर डी, फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यार देखो मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर हमारे 3 ऑप्शंस गलत हो रहे हैं ना, तो बचा कुचा वो हमारा आंसर होगा ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट ए जे एन सी, अब ए के लिए 0 1 गलत क्योंकि 0 0 तो इसकी वजह से ये गलत, ए के लिए 1 2 तो ये और दो बच गए, फिर 5 6 तो 5 6 गलत क्योंकि यहाँ तो ए है ही नहीं, तो बच गया क्या बी और सी। अब चेक करें जे, तो जे के लिए 7 7 तो जे के लिए 7 7 करेक्ट है, जे के लिए 6 6 गलत है क्योंकि ये 6 5 होना चाहिए। सो दैट मीन्स बच गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो एक बात समझ में आई, जब दो चेक करके हमारे पास आंसर आ रहा है, इन दोनों को चेक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट लॉक एल ओ सी के, अब एल ओ सी के, तो एल के लिए 4 1, एल के लिए 4 1 करेक्ट, एल के लिए 2 2 करेक्ट, फिर एल के लिए 0 1 0 0 तो ये गलत हो गया, तो एल के लिए 4 1 ठीक है, तो ए बी और डी बच गए। अब इसके बाद ओ के लिए 5 9 5 9 करेक्ट, 9 5 करेक्ट, 7 7 करेक्ट। अब सी के लिए 7 8, तो सी के लिए 7 8 गलत, सी के लिए 7 6 सही, ई के लिए 5 7
सही, तो अब बच गया हमारे पास बी और डी। अब के लिए या तो 3-1 होगा या तो 3-0 होगा, ऑब्वियस सी बात, 3-1 और 3-0 में से कोई एक ही होगा, दोनों थोड़ी होंगे। तो लेट्स सी के लिए क्या दिया हुआ है, के लिए दिया हुआ है 3-1। जस्ट अ सेकेंड, 3-1, सो दैट मीन्स ये 3-0 कैंसिल, सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। समझ गए, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 10 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के कंप्लीट। बस तो फिर इसी के साथ आई गेस ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान टॉपिक है, लगता बहुत डिफिकल्ट है, बस ये है थोड़ा सा चेक करने में इट विल टेक टाइम स्टार्टिंग में, फिर तो आप आसानी से स्पीड में कर पाओगे। क्लासेस की टाइमिंग अनअकैडमी की यू ऑल नो इट वेरी वेल, डोंट फॉरगेट 12:30 बजे वाला जो बैच है वो प्लस कोर्स के लिए है, 90 मिनट्स की क्लास होती है इसमें डेली, मोस्ट बेनिफिशियल। YouTube का स्केड्यूल एज इट इज है, तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कल सुबह फिर 5:30 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ टू गेट थ्रू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज एंड एवरीथिंग। यस, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।